हम लोग थोड़ा गांव का नज़ारा लेने के लिए शहर से थोड़ा गांव का गांव के तरफ आ गए कि देखते हैं गांव का क्लाइमेट क्या है। आप देख सकते हैं किस तरह मौसम अच्छा होने के वजह से आज बहुत ही मज़ा आ रहा है। धूप निकला हुआ है, सभी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आइए तो एक बार बाइक कैमरे से हम दिखा सकते हैं सभी लोग खेत में मज़ा लेते हुए, कितना हरियाली है और बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लुक है। और ये लोग लड़की लोग बाहर बहिर को तोड़ते हुए। एक बात है दोस्तों, रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो एक पुराने ज़माने का यहाँ पे मठ मिला, जो बताया जाता है कि यहाँ पे राक्षस रहता था सभी लोग। तो आइए हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। पोखरा है ये रहा आपके पीछे, हम ऊपर जा के भी दिखाएंगे। तो इसमें पहले राक्षस रहा करते थे। ये चारों तरफ खुला एरिया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और ये हमारे गुड्डू भाई, और आप देख सकते हैं किस तरह नेचुरल गांव का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है। आइए हम गुड्डू भाई से जानते हैं कि पहले यहाँ राक्षस रहता था कि नहीं रहता था, बताएंगे। तो आइए हम इनसे पूछते हैं। ये बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बाबा से पूछते हैं बात सही है कि गलत है। इस जगह पर बताया जाता है कि राक्षस पहले रहते थे, अभी यही जानकारी देंगे क्योंकि हम लोग से पुराने हैं। किस तरह मशहूर हुआ? मशहूर है जी, बके हुए जोड़े बना हुए है जी, राकस रहले से। राकस रहले सन, सही बात है, सही बात है। हाँ, सही। तो अब आदमी ये ढेर भइले न। हाँ, तो अब भाग गेले से। अच्छा, भाग गेले सन। हाँ, अब पुराने अपन से जी पुराने ओहे नहीं। हाँ, बता सके। हाँ, देखिए बाबा बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आपके सामने किस तरह जंगल। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाबा का कुटी है। और इसी जगह पे यहाँ पे एक पोखरा है, और यहीं पे वो राक्षस लोग रहा करते थे। और गुड्डू भाई से भी जान लेते हैं थोड़ा सा। बताइए गुड्डू भाई, आप अभी हम लोग को मतलब उतना मालूम नहीं है, ये हमारे बाबा बुजुर्ग हैं, ये बता रहे थे कि जो है पुराने ज़माने में, पुराने समय में जो है यहाँ पे राक्षस रहा करते थे। हाँ। मतलब ये लोग भी नहीं देखा है यहाँ तक, मतलब हम लोग को जानकारी है कि बुजुर्ग आदमी बताते हैं कि राक्षस यहाँ पे रहते थे। राक्षस की डोरे की आवे ना। हाँ, बहुत भयानक भयानक। वो तो बाबा संत बाबा आवे लग रहे लगले ना। हाँ। तो अब धीरे धीरे भागे लगले। ठीक।